हेलो वेलकम बैक फ्रेंड्स। टू जानवी ग्रेस। आज हम आपको कुछ कुकिंग टिप्स बताते हैं। गर्मी बहुत है इसलिए हमने वीडियो नहीं बनाई है, तो हम आपको आज कुछ कुकिंग टिप्स बताएंगे जो आपके बहुत ही यूज़ आएंगे। देखिए, सबसे पहले ताजगी बनाए रखें। सब्जियों और फलों को धोने के बाद अच्छे से सुखाकर फ्रिज में रखें, इससे वे अधिक समय तक ताज़ा रहेंगे। नंबर दो, प्याज लहसुन का पेस्ट कैसे बनाते हैं। समय बचाने के लिए प्याज और लहसुन का पेस्ट बनाकर फ्रिज में रखें, इसे 1-2 सप्ताह तक इस्तेमाल किया जा सकता है। नंबर तीन, सब्जियों को जल्दी पकाने का तरीका। सब्जियों को पकाने के से पहले हल्का उबाल लें, इससे वे जल्दी पक जाएंगी और उनका रंग भी बरकरार रहेगा। नंबर चार, तड़का लगाने की सही विधि। तड़का लगाने के लिए हमेशा गर्म तेल या घी का उपयोग करें। मसाले डालते समय उन्हें जलने से बचाने के लिए गैस की आंच मध्यम रखें। चावल पकाने की विधि। चावल को पकाने से पहले 30 मिनट के लिए भिगो दें, इससे चावल फूल कर और नरम बनेंगे। नंबर छः, दाल के लिए टिप्स। दाल को तेज़ी से पकाने के लिए उसमें थोड़ा सा तेल और हल्दी डालकर प्रेशर कुकर में पकाएं, इससे दाल जल्दी पकेगी। नंबर सात, पराठे नरम बनाने के लिए पराठे का आटा गूंथते समय उसमें थोड़ा सा दही मिलाएं, इससे पराठे नरम और स्वादिष्ट बनेंगे। नंबर आठ, मसालों का सही इस्तेमाल। ताज़े और अच्छी गुणवत्ता वाले मसालों का उपयोग करें। मसालों को पीसने से पहले थोड़ा सा भून लें, इससे उनका स्वाद खुशबू बढ़ जाती है। नंबर आठ, पनीर नरम रखने के लिए। पनीर को नरम रखने के लिए उसे गर्म पानी में भिगोकर रखें।